एक ड्रामा हो गया ना, घर में कैसा तांडव हो जाएगा। मैंने रिंग लाइट सेट कर दिया, मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। दाढ़ी में भी इनके सफेद बाल, उसमें भी लगा। बहुत अच्छा थी, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मावस, तो आज मावस का खाना होना पक्का बनता है, तो वो बन चुका है मेरा अभी। मैंने गोभी वाली सब्जी, पूरी और खीर बना दी है सिंपल। तो अभी ये जा रहे हैं देने के लिए मंदिर खाना। ले जाओ आप, जाओ। इन लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, अभी मैंने जब तक खाना नहीं निकालते ना तब तक मैं कुछ नहीं खाती। तो अभी मैं भी अब पीती हूँ अपनी चाय। मेरी चाय हो गई बहुत ठंडी हो गई, तो इसको करती हूँ गर्म। अभी पूरा घर फैला पड़ा है, मैंने आज सोफे कवर धोए हैं, पूरा घर पर भी फैला पड़ा है अभी सारा। झाड़ू पोछा वगैरह तो हो गया, बट अभी करती हूँ। ये ब्रेड पकौड़े बच्चों ने खाए थे, मैं ब्रेड पकौड़े भी बनाए थे नाश्ते में, तो ये बच्चों ने तो खा लिए और मैंने अपने लिए बनाए नहीं, क्योंकि पूरी सब्जी है ना, तो वही खा लेंगे अभी फिलहाल। अभी मैं खाली चाय बिस्किट लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना अगर मैं चाय के साथ पार्ले जी की बिस्किट नहीं खाऊँ ना तो मेरे हेडेक हो जाएगा, और भी हो ही रहा है हल्का हल्का। तो सबसे पहले अपने चाय बिस्किट खाती हूँ। मेरी हो रही है यहाँ पे चाय गर्म, सारी चाय बच गई है। देखो ये अनवी ने भी चाय नहीं पी, तो अनवी की भी चाय से मिला ली मैंने। तभी मैंने चाय नाश्ते तो कर लिया, डेढ़ बज गया है, और अभी अनवी को मैं पढ़ा भी रही हूँ, और यहाँ पे अपनी करती हूँ फटाफट एडिटिंग वगैरह भी। क्या चाहिए? टेबल तो एक और रखी है ना वहाँ पे, स्टूल चौकी रखी है। अच्छी अच्छी राइटिंग में करना, ठीक है? हाँ ठीक है। तभी मैं इन लोगों को लंच वगैरह भी दे देती हूँ। यहाँ मेरे पति देव बना रहे हैं रायता। सैटरडे संडे को ना थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते मेरी किचन में। ये मीठी दही खीर बनाएगी, मैंने खीर खा ले। हाँ खाऊंगा। लो जी पति देव, कैसा बन रहा बिट्टू खाना? अच्छा बन रहा है। गॉड, इन लोगों को खाना बुलाने के चक्कर में देखो मैं फुल गैस कर गया, सारी कढ़ाई जल गई। देखो साइड से बंद कर तू पहले गैस। तो अभी लंच वगैरह तो हो चुका है, बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, जाओ जल्दी जाओ। इसका डेली का ड्रामा है, इसका एक असर तो जरूर छोड़ना है। पति खा लिया, जल्दी जा, लेट हो रही है ट्यूशन के लिए। पानी की बोतल मैंने रख दिया। हे भगवान, खीर भी नहीं खाई पूरी। लो जाओ जल्दी, थोड़ी देर शांति मिलेगी, तुम लोग जाओगे ना ट्यूशन। जाओ, जब से लड़ रहे हैं आज तो ठंडा पानी कहाँ है, ठंडा पानी कहाँ है। अभी पूरा सोफा ना मैंने एक साथ करा था, फिर गद्दा कर दिया है। खाना खाते ही पता नहीं क्या खिलाते हैं, जाने खाते हैं, समझ ही नहीं आता मुझे। पूरी सोफे को भी खिलाई है, अभी धोए मैंने सोफे कवर, पूरा गंदा गंदा कर दिया। फिर लगाओ झाड़ू, साढ़े ठंडे में मेरे हाथ से झाड़ू ही नहीं हटती है। ओह नो श्योर, इसे शाम तक सफाई में लगे रहो। अब ढंग से बैठना, अब आप हर हर महादेव। अब ढंग से बैठना सोफे पे, बेतुके तरीके से मत बैठा करो, अच्छे नहीं लगते वो। फिर यहाँ तक फिरा दिया खाना, बच्चे तो तुम्हारे ही हैं। हाँ दहेज में लाई थी ना मैं बच्चे, तो है ना, दहेज में लाई थी ना मैं, तो तुम तो दहेज में आई थी। मैं दहेज में आई थी, मैं ना अभी ना कपड़े चेंज करके आ रही हूँ, रील्स बनानी है, ठीक है ना। आप वो जो मूवी वूवी देखनी है वो देख लो आराम से, मैंने रील्स बनानी है, मेरे पास ड्राफ्ट में रील्स नहीं है। हाँ पिछले सैटरडे संडे की बनी हुई है, पूरा हफ्ता नहीं बनाई, सिर्फ सैटरडे संडे बनाती हूँ मैं, ठीक है। मैंने रिंग लाइट सेट कर दिया, मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ। ये तो आराम से मूवी देख रहे हैं मजे से, और अब भी अभी जस्ट मेरे 3K हो गए हैं मेरे यूट्यूब पे, काफी टाइम बाद हुए, बट कोई नहीं यार, देर का फल सबर का फल मीठा ही होता है, तो कोई नहीं,
खाटू श्याम बाबा जी जरूर मेरी मेहनत सफल करेंगे, ठीक हो गए। तो अभी फिलहाल मैं इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह बनाती हूँ, यूट्यूब पे मेरे ठीक हो गए हैं। वैसे मेरे इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों को पता ही है कितने हैं मेरे, 46 हो गए हैं उस पे तो, और एक पे 44 है, 44K 46K। 2 घंटे लग जाएंगे मुझे रील्स बनाने में। फिलहाल यहाँ पे मोबाइल सेट करती हूँ मैं, यहाँ पे ट्यूशन से आ गए, 5:30 बज गए हैं। रील्स बनाती हूँ, 2-3 डांस है ना ट्रेंडिंग चल रहे थे वो परफेक्ट करने में उसमें लग गया मुझे काफ़ी टाइम। पानी पिला दो, पहले पिला दो भाई, पी रहे हैं पहले मुझे पिला दो, मर जाएगी तेरी। कुछ लोग कहते हैं ना रील्स यूँ बन जाती है, ऐसे नहीं बनती, घर का काम करना पड़ता है, फिर रील्स बनानी पड़ती है, उसमें कूदना पड़ता है। हाँ भाई डांस मैं नहीं कहती, मुझे बहुत अच्छा आता है, बट मुझे जैसा भी आता है मैं दिल से नाचती हूँ, है ना भाई। मैं खाना तो बनाऊंगी नहीं भाई अब, क्योंकि खाना मैंने सुबह ही हैवी बना पड़ा, सब कुछ रखा पड़ा है इतना सारा खाना, तो खाना आना तो नहीं बनेगा फिलहाल। अभी मैं अंडी आई थी ना, वो मुझे डांस देखती है ना तो वो अपना फैलावा कर लेती कि मम्मा ऐसी लग रही है, तो मैं भी चेंज करती हूँ। तो अभी उससे जूते चप्पल का देखो पूरी ट्रे निकाल रखी, देखो मेरी पहले सैंडल और ये देखो अपनी निकाल के देखो कैसे फैला रखा है अन्नी ने, पूरे जूते चप्पल की रैक निकाल दी इसने। है कहाँ वो आफ्ती, नीचे गई है। 6:30 बजे हमारे महाशय सो रहे हैं। बाबू मैं साड़ी देख के आ रही हूँ करवा चौथ के लिए, देखे हम पूछ लेती हूँ, पैसे तो इन्हीं को ही देने हैं जी, देखिए हम मैं करवा चौथ के लिए। मेरा इस बार ना रेड साड़ी पहनने का मन है, बिल्कुल प्लेन रेड साड़ी करवा चौथ पे, तो पास में ही है घर पे उसकी शॉप है, घर पे ही बेच मतलब घर पे ही है उसकी शॉप, तो उसी के पास चलती हूँ, ठीक है जा रही हूँ मैं। अभी मैं पैदल ही चल रही हूँ, घर के पास में ही शॉप है तो उधर ही देखते हैं एक बार पहले, तो किसी के घर पे ही मिल रहे हैं अपने, तो देखते हैं पहले गेट को खुला जाता है, आज बंद है, मुझे लग रहा है आज बंद कर दी शॉप, खाना ना टाइम वेस्ट हो गया मेरा, तो कोई गए हुए हैं कल आएंगे। पेपर वैसे नई साड़ी भी रखी है करवा चौथ के लिए, नई साड़ी भी रखी है, सूट भी रखा हुआ नया, बट इस बार मेरा मन था बिल्कुल प्लेन रेड साड़ी पहनने का, कुछ अलग नया लुक करने का, बट क्या करें अब, सदर बाजार में तो वो मिलेगा नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे सर्च करती हूँ कहीं ऑनलाइन मुझे मिल जाती है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तभी मेरे यहाँ पर भी देख कर रहे हैं डाई लगा दो इनके, देखो साइड से सफ़ेद बाल हो रहे हैं, बट लगवा के रहे हो तुम तो मुझे वैसे भी पसंद हो, ये बस इतनी सी है तो बाली भी तो इतने सी है मेरे। चलो तुम कटवा क्या है अभी बाल, तुम्हारे पास बाल है जो कटवाने गए थे, मैं ही काट देती हूँ उसको, कैची से खामा का 100 रुपए दिया है नहीं वाले को नहीं तो मुझे वैसे आते हैं बाल काटने, क्योंकि शिवांग ना छोटा था ना तो उसको बाल ना वो कटवाता नहीं था, तब मैंने सीखे थे बाल काटने, तो शिवांग के मैं खुद ही काटती थी घर पे। 8:30 बज गए हैं, अभी खाना बनाना है, बालकनी से कपड़े उतारने बहुत काम पड़ा है मेरे पास, कि मेरे पास लेके बैठ गए हैं डाई बाई, काम करवा देना थोड़ा सा, बालकनी से कपड़े ले आना बस खाली आप, ठीक है मैं इधर खाना करना पड़ेगा अब आपको, मैंने आपका काम करा ना डाई वाला, अब तो आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे, ऐसे नहीं मानते ही, मुझसे करवाना पड़ता है काम मुझे जबरदस्ती। सो भी लिया आप तो, मैं तो सोई भी नहीं हूँ, अपना काम ही कर रही थी मैं जब से फोन का, ये थोड़ी सी बची हुई दाढ़ी में भी इनके सफेद बाल, उसमें भी लगा दो। हाँ तो बुड्ढे हो रहे हैं तो भाई हो गए नहीं क्या सफेद बाल, बच्चे बड़े हो गए हैं। थैंक गॉड मेरे नहीं है एक भी सफेद बाल। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा जल्दी दिखा बाबू, आदमी के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत होती है। हाँ यही बात है भाई, मैं तो खाऊंगी नहीं खाना, मैं तो पेट भर रहा है, मेरा पेट इसलिए भर रहा है ना क्योंकि मैंने आज सुबह अच्छे से खाना खा लिया था, वरना मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ ना। गया कैमरा उठाते ही इतने से ना मेरा खून पिया जाता, वो कह रहा था कल मुझे चिल्ली पोटैटो खिलाओगे, शाम को डोसा खिलाओगे, मंडे को मुझे लंच में चाप दोगे, इतनी देर से बोला जा रहा अभी डोसा खाने चलो, डोसा नंगा बैठा हुआ था यहाँ पे चड्डी पहन के, मैंने कैमरा उठाया और भाग गया, मैंने कहा जा रहा है नहीं जा रहा वरना ब्लॉगिंग बना दूंगी तेरी, भाग गया नहीं तो। अभी लोग ना ड्रामे देखना खाने में, अभी पता सुबह का खाना अभी शाम मिलेगा ना, देखना ही लोग क्या करते हैं। पापा कल डोसा खिलाओगे मुझे और परसों स्कूल में मैं चाप
गोबर रखूंगी देखिए लंच में। मैंने सुबह खा ली थी बिना कुछ बोले। आटा को पूरी हो गए ना ड्रामे यहाँ पे। आंटी ये खाना खाते तुम एक काम करती हूँ, मैं चावल देती हूँ नमकीन। मैंने चावल नमकीन बना दी थी किससे कहूँगा मतलब दही रखा है रायता रखा है नमकीन ठीक है। मिल गई रोटी तुम्हें और तुमने सेकी रोटी चुकंदर काटना है आज मैं सलाद काटना ही भूल गई। चल जा शिवांकी चॉकलेट और सो जा चुपचाप, मुझे भी एडिटिंग करनी है। मेरा हो रहा है सर में दर्द, मुझे भी एडिटिंग करनी है भाई। मेरी एडिटिंग नहीं हुई है, दोपहर में भी थोड़ी हुई है। दोपहर में भी लड़ाई हो रही थी इन दोनों की, अब फिर से लड़ ली। ये लोग लड़े नहीं है एक्चुअली, दोनों के दोनों पॉकेट की जिद कर रहे हैं। हर बार इनको पॉकेट मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज की जिद लेके पकड़नी है। चलो पीछे हो जाए ठीक है ठीक है, बाद में बात करना। चलो सो, अभी सोने का टाइम हो रहा है, बाद में बात करना। चलो लेटो। बाल देखो, सुबह मैंने इसे सुबह पता हेयर वॉश करे और तेल डाल के मैंने छोटी करी, और ये शाम को छत से आते ही नहाइए और फिर अपने बाल धो लिए और भूतनी बन गई। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, अभी मैं फटाफट टैग करती हूँ एडिटिंग। तो वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद राधे।